तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं, एक्सेल कल और बता दूंगा कुछ फीस वगैरह का, ठीक है। बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी हो, समझदार हो। सबसे पहले जो दिख रहा है ना सामने, उसको डेस्कटॉप बोला जाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ही कहता है। माउस के राइट साइड अगर मैं दबाता हूँ तो ये राइट क्लिक कहलाता है, और लेफ्ट साइड में दबाऊँ तो लेफ्ट क्लिक कहलाता है। कुछ खुल जाता है इससे जिसपे हम क्लिक करते हैं। ये व्यूज है, व्यू में जाऊंगा, लार्ज आइकन पे क्लिक करूंगा तो बड़ा बड़ा दिखने लगा, मेरे को मजा नहीं आया, इसलिए मीडियम कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा जी। फिर से व्यू में जाके स्मॉल आइकन पे क्लिक करूंगा तो छोटा छोटा हो गया, ठीक है। आप क्या करो, माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, डेस्कटॉप पे क्लिक करो और कंट्रोल दबाओ, और माउस वाला जो गोल चक्का होता है ना उसको घुमाओगे आगे पीछे ना तो भी ये बड़ा छोटा आइकन होगा, ठीक। उसके बाद है ऑटो अरेंज आइकन, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो अपने यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। फिर इसको पकड़ के इधर लाऊंगा तो नहीं ले जा पाऊंगा मैं, ठीक है। ये देखिए नहीं जा रहा है ना, अपने आप अरेंज हो जा रहा है ये। फिर से इसमें मैं क्लिक करके ऑटो अरेंज को बंद कर दूंगा तो इसको इधर ला के रख सकता हूँ मैं, ठीक है। यही है ऑटो अरेंज का फीचर, ठीक। उसके बाद है जी अलाइन आइकन टू ग्रिड, हाँ ग्रिड में दिखा दो, तो ये ग्रिड में ही दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या है, शो डेस्कटॉप आइकन, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके व्यूज में जाकर इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो सब दिखने लगेगा। उसके बाद है आपका ये है गैजेट्स, क्या मतलब है, इसमें आ जाता हूँ मैं, इस पर यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, कैलेंडर आ गया मेरा सामने, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलेंडर देख लिया करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो बड़ा सा खुल जाएगा, इस पर कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो कुछ हो नहीं रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई गैजेट्स वगैरह ला दिए हैं ना इस तरह का, ठीक है, जैसे आपको गेम वेम खेलने का पसंद है तो इसमें ऐसा करिए, ठीक है, ऐसे क्लिक करेंगे तो गेम वेम ऐसे खेलाएगा पजल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे खेल लोगे आप पजल, ठीक है। तो गेम में हम खेलना चाहते हो तो इसे खेल लोगे। तो इसी गैजेट को हाइड शो करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, सो डेस्कटॉप गैजेट शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाइड हो गया, इस पर फिर से क्लिक कर दूंगा तो ये खुल जाएगा। तो यही है ये गैजेट्स का मतलब, ठीक है, एक खत्म। शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में कैसे करूँ, नेम के अकॉर्डिंग करूँ तो नेम के अकॉर्डिंग ऐसे शॉर्टिंग हो गया जी। फिर से आऊंगा साइज के अकॉर्डिंग करूं तो साइज के अकॉर्डिंग ऐसे हो गया, जिसका साइज जितना ज्यादा है वो पहले आएगा बाद में आएगा। आइटम टाइप करूंगा तो ऐसे सॉर्टिंग कर देगा, तो ये सॉर्टिंग है, बाकी कुछ नहीं है। डेट मॉडिफाइड के आधार पर कर दूं तो ये आ गया जी, ठीक है। तो यही है, मेरे को आइटम टाइप पसंद है तो मैंने यही कर दिया, ठीक है। ये है रिफ्रेश जी, चालू करने के बाद रिफ्रेश करते हैं जी, ठीक है। तो ये है रिफ्रेश, F5 से होता है, ये तो दुनिया को मालूम है, तो आपको बताने का जरूरत क्या। ये ग्राफिक्स का प्रॉपर्टी है जी, ठीक है, पर मैं ग्राफिक्स वगैरह में नहीं जाना चाहता अभी, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा स्पेशली ग्राफिक्स वगैरह का, ठीक है। उसके बाद है न्यू, ठीक, सबसे पहला है फोल्डर बनाना, न्यू पे क्लिक करके आप फोल्डर बना लोगे ऐसे, या फिर आपको ऐसे फोल्डर नहीं बनाना है तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट बटन से बना लोगे। मालूम आपको शॉर्टकट बटन, नहीं मालूम होगा, मालूम होगा तो बता दीजिए, किसी को है मालूम, नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, फोल्डर बन के तैयार हो गया जी, ठीक है। तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसको, तो ऐसे आप फोल्डर बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है शॉर्टकट्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये बोल रहा है लोकेशन बताओ, अब लोकेशन बताऊँगा तो शॉर्टकट बना देगा, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, या किसी फाइल का, ठीक है। जैसे मैं क्या चाहता हूं ना, ये वाला है, ठीक है, इसमें ये है यहाँ पे लिनक्स कमांड, ठीक है, या फिर ये है यहाँ पे, ठीक है, जावा प्रोग्राम, ठीक है, या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे लिनक्स कमांड को मैं बार बार खोलता हूँ तो इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेंड टू में आऊंगा, और यहाँ पे है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, अब क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया, इस पर अब डबल क्लिक मारूंगा तो ये डायरेक्टली खुल जाएगा, ठीक। तो यही है शॉर्टकट का मतलब,
ऐसे आप बना लोगे शॉर्टकट, वहां से भी बना लोगे शॉर्टकट आप लोग, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू पे शॉर्टकट पे जाके बना सकते हो आप लोग शॉर्टकट, ठीक है। माई कंप्यूटर में जाऊंगा, लोकेशन को चॉइस कर लूंगा मैं सीधा, ठीक है, बना लोगे आप ऐसे, बड़ा आसान काम है ये है। क्लिक कर दिया, फोल्डर का ही नहीं किसी भी चीज का शॉर्टकट बन जाएगा, ये देखिए बन गया ना। एमएस वर्ड का बना दो, एमएस वर्ड का बनेगा, खुलेगा, तो यही है शॉर्टकट, ठीक। शॉर्टकट का मतलब आप लोग समझे नहीं समझे, नहीं समझे समझे, देखो बोलोगे ना तब मुझे समझ में आएगा कि क्या समझ में नहीं आया। ये फोल्डर में बार बार आने से अच्छा है कि मैं ना आऊं, या फिर ये है, ठीक है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, सेंड टू कर दूंगा, शॉर्टकट क्रिएट, शॉर्टकट क्रिएट हो गया, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये फिर सीधा खुल जाएगा, ये देखिए खुल गया ना। अभी मैंने लाइनस के थ्रू बनाया है तो ये अरेंजमेंट इसमें नहीं है अभी, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। न्यू के बाद क्या है आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। ये पेंटिंग का फोटो बनाएगा, ये कॉन्टेक्ट बनाएगा, जैसे आप कॉन्टेक्ट वगैरह सेव करके रख सकते हो ऐसे। फर्स्ट नेम कुछ और डाल दूंगा मैं, सेव हो गया कॉन्टेक्ट, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, यही है, इसमें मैं कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। ये ऑफिस का एड्रेस हो जाएगा, ये बाकी बाकी हो जाएगा, जॉब टाइटल वगैरह, ठीक है, इसमें भर के आप लिख लोगे, कुछ नोट्स यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, तो यही है। और यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट आ गया, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट का मतलब है। यहाँ पे मैं कंपनी नहीं डाला था, फोन नंबर नहीं डाला हूँ, जॉब क्या करता है टाइटल कुछ डाला ही नहीं हूँ, इसीलिए जो है नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे डालूंगा तो जो है वो आएगा, ठीक है, तो यही कॉन्टेक्ट वगैरह का मतलब है जी, ठीक है। तो बना लोगे आप लोग। न्यू पे जाने के बाद सब कुछ नया बनेगा, एमएस वर्ड का यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स भी बना लोगे, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बनेगा यहाँ से नया, ठीक है। तो ऐसे भी बना के इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, ऐसे ओपन हो गया, अब इसमें कुछ आप टाइप करिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। फिर से मैं राइट क्लिक, हेलो हेलो, हाँ सुनाइए, सबको मार्कशीट अब क्या कहाँ से लाऊंगा मैं था कहाँ पे, कुछ प्रोग्राम तो खुला भी नहीं है। अच्छा विंडोज बता रहा था ना, तो यही है जी, न्यू से नया बना लोगे, जेप टेक्स्ट बाकी बाकी, ठीक है। तो न्यू से के पहले के बाद मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन पे आता हूँ, ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, मैं अगर कम ज़्यादा करूँगा तो मेरा जो रिकॉर्ड कर रहा है ना वो ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, कम ज़्यादा, ठीक है। लैंडस्केप में होगा, पोर्ट्रेट में होगा, फ्लिप में होगा, ओरिएंटेशन बोल रहा है ये स्क्रीन का, दिखा दूँ एक करके, नहीं यहाँ से मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं करता हूँ कैंसल, ठीक है, रिफ्रेश, ऐसा हो गया, ये सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल दबाया, ऑल्ट दबाया और लेफ्ट का एरो दबाया, जिधर का आप एरो दबाओगे उधर ही जो है चला जाएगा स्क्रीन, ठीक है। किसी में ऑल्ट एरो दबाने पे हो जाता है, किसी कंप्यूटर में कुछ दबाने से हो जाता है, तो ठीक है जी, तो यही इसका मतलब है जी। वो जो फ्लिप वगैरह आप देख रहे थे ना, तो वही ऐसा ही वो कहना चाह रहा था जी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे माउस चलाओगे तो पता नहीं है किधर जा रहा है, ठीक है, ये बहुत ही, यहाँ से माउस जो है बहुत ही अजीब तरीके से भागने लगता है, ठीक है। अब ये देखिए मैं जा रहा हूँ कहीं तो चला जा रहा है कहीं, इसलिए मैं कीबोर्ड सही कर लेता हूँ ऐसे, ठीक। ये देखिए अब ले जाऊँगा ऊपर तो जाएगा नीचे, ये देखिए, ये देखिए जब ले जा रहा हूँ ऊपर तो जा रहा है नीचे, लेफ्ट जाऊँगा तो राइट जाएगा, ठीक है। तो वही ये बोल रहा था जो यहाँ से आपने देखा रेजोल्यूशन में मैं गया और यहाँ पे जो बोल रहा था यही था जो है, ठीक है। उसके बाद गैजेट्स आप देख ही लिए, पर्सनलाइज में क्या है जी,
पर्सनलाइज में कंट्रोल पैनल यहाँ से खुल जाएगा, कंट्रोल पैनल में बताऊंगा लेट में आपको। यहाँ पे है चेंज डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। यहाँ पे जब आप आओगे तो माई कंप्यूटर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करोगे ओके कर दोगे तो माई कंप्यूटर दिखेगा ही नहीं स्क्रीन पे। रिसाइकल बिन है, इस पर आप अनचेक करके कर दोगे ठीक है तो रिसाइकल बिन दिखेगा ही नहीं डेस्कटॉप पे। इस पर जो जो सिलेक्टेड होगा वो दिखाई देगा डेस्कटॉप पे, जो सिलेक्टेड नहीं होगा वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चेंज आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा जी, मोबाइल बन जाएगा। ये देख लो बन गया ना, कितना बढ़िया टेक्निक है, ठीक है। आप लोग लेकिन बदल मत देना सब कुछ ऐसे ही, ठीक है, नहीं तो आप लोग बदल दोगे तो सामने ही रहेगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं हो गया, मेरे को समझता नहीं है अंग्रेजी वगैरह उतना, तो मैं आइकन को ही देख के काम चलाता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, तो आप कुछ भी बदल दो वैसे आइकन वगैरह पूरा, ठीक है, बदलना मत लेकिन, ठीक है। रिस्टोर डिफॉल्ट है, इससे क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए मैंने इसका आइकन बदल के इसमें कर दिया, कोई डर से इस पर क्लिक ही नहीं करेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिस्टोर डिफॉल्ट कर दूंगा तो क्या होगा जी, इसको सेलेक्ट ना करूं मैं, ऐसा क्लिक कर दिया तो डिफॉल्ट जो था वो बन गया, ठीक है। क्लिक कर दिया, चेंज माउस पॉइंटर, यहां से भी आप माउस का पॉइंटर बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कंट्रोल पैनल बताते समय। फिर ये है चेंज अकाउंट का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बदल सकता है, जैसे यहाँ पे डेल लिखा हुआ है, मैं इसमें से किस पे भी क्लिक कर दूंगा और वो आ जाएगा, जैसे इस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, जिस पे भी क्लिक कर दूंगा वो पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर में लग जाएगा। मैं चाहूँ तो अपने कंप्यूटर में जो रखा हुआ है मैं अपना फोटो भी लगा सकता हूँ, ठीक। चेंज क्लिक किया, यहाँ पे आऊंगा ब्राउज मोर पिक्चर, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब जहाँ पे मेरा फोटो है मैं सिलेक्ट करूंगा और मेरा प्रोफाइल पिक्चर बदल जाएगा जी, ठीक। तो इस पे करके मैं चेंज कर दिया तो ये हो गया। इसके बाद है ये डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले कितना दिखना चाहिए, कंट्रोल पैनल है, एडजस्ट रेजुलेशन वगैरह को वही ऑप्शन है, ठीक है। एडजस्ट ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा करेगा यहाँ से, ठीक है। ये देखिए आपको तो प्रोजेक्टर में दिख नहीं रहा होगा कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं ब्राइटनेस, मेरे में हो रहा है कम ज़्यादा, ठीक है, तो वही है। ये पावर मैनेजर के अंदर है, मैं पावर मैनेजर वगैरह को बताऊंगा आपको तो इसको भी बता दूंगा उसी समय पे, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग्स है, चेंज डिस्प्ले का सेटिंग वगैरह यहीं से बदल सकते हो आप, ठीक है। कनेक्ट प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से मेरा कनेक्टेड है अभी, तो ये देखिए अगर मैं कर दूंगा इसको, आपके प्रोजेक्टर में नहीं जा रहा है, मेरे में दिख रहा है, ठीक है, मेरे में दिख रहा है। फिर से इस पर मैं जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो दोनों में दिखाई देगा, मेरे प्रोजेक्टर में भी दिखेगा आपको और इसमें भी दिख रहा है। विंडोज पी से करूंगा तो इसका शॉर्टकट बटन भी है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। आधा स्क्रीन ये देख लो, आधा स्क्रीन जो है मेरे इसमें दिखाई दे रहा है और आधा स्क्रीन आपके प्रोजेक्टर में, देखिए अब माउस पॉइंटर प्रोजेक्टर में दिखाई दे रहा है पर मेरे मॉनिटर में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो है एक्सटेंड हो गया पूरा, ठीक है। खैर छोड़िए, पूछो वो हमको का उससे लेना देना, एक कर देंगे तो क्या होगा, मेरे अब उस पर क्लिक किया तो क्या हो गया, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कुछ भी, आपके प्रोजेक्टर में दिखाई दे रहा है, तो यही इसका मतलब है जी। अब मैं यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट दोनों में दिखे, क्योंकि मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे तो दिख नहीं रहा है जी, ठीक है। तो ये देखिए फिर से दिखने लगा, एडजस्ट क्लियर टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट वगैरह का ये है, ठीक है। सेट कस्टम टेक्स्ट साइज, तो यहाँ से टेक्स्ट का आप साइज वाइज सेट कर सकते हो, बड़ा छोटा करके, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सनलाइज में मैं चला जाऊँगा तो ये खुल जाएगा विंडो, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक पर्सनलाइज, ठीक है। ये जो है ना ये कुछ थीम्स है ये सब, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यही थीम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, ये कुछ कुछ देर में अपने आप बदलता रहेगा। आप कई फोटो को एक बार में सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और क्या कर दो, सेट डेस्कटॉप प्रोफाइल पिक्चर करके दिखा दूं, पिक्चर इसी में होगा, इसमें होगा, ये देखिए किया, राइट क्लिक सेट एज प्रोफाइल पिक्चर कर दिया,
अब ये देखना, नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट अपने आप बदलता जाएगा ये, ठीक है, बदल रहा है। ऐसे ही आप लोग भी बदल लिया करना, बड़ा आसान काम है जी, लेकिन मेरे को ये सब पसंद नहीं है, मैं इसीलिए इसी को रखता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। तो कई सारा यहाँ पे है, आप लोग बदल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारा जो है, यहाँ पे ब्राउज आप करोगे ना तो यहाँ पे जो है फोटो आप सिलेक्ट करते हो, जो फोटो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे सारा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ से वो कैसा होना चाहिए, फिल में करोगे तो पूरा फिट दिखाई देगा, फिट में करोगे तो क्या होगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो इधर इधर आके ऐसा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ इस पर, फिर मैं इस पर आके करता हूँ स्ट्रेच कर दूंगा तो देखना कैसा दिखाई देगा। ये देखो ऐसा दिखने लगा, ये थोड़ा डबल मजा नहीं आ रहा है, दबा हुआ है दिख रहा है, ठीक है। फिर मैं इस पर आऊँगा, कई सारा है, टाइटल में क्लिक कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा जी, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा जैसा यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को यही फिल वाला सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कई सारा अगर फोटो सिलेक्टेड होता ऐसे, यहाँ से मैं कई सारा अगर फोटो सिलेक्ट किया होता तो क्या होता, कि करके दिखा दे रहा हूँ क्या होता, मेरे से टाइम पूछता कि कितने कितने देर में जो है मैं बदला करूँ। ओके कर दिया, कुछ नहीं है भाई पिक्चर में, नहीं होगा, हो सकता है, पता नहीं अब, ठीक है। कई सारा अगर मैं फोटो सिलेक्ट करता, ठीक है, छोड़ो नहीं है तो मैं क्या करूं, मैच नहीं कर रहा है कोई, तो यहाँ पे ये जो टाइम है ना ये इनेबल हो जाता, ठीक है। और ये कहता कि कितने कितने देर में बदलना चाहिए पिक्चर, तो आप जो टाइमिंग यहाँ से सेट करते वो टाइम जो है उतने टाइम में जो है अपने आप बदलता। उसके बाद ये है सफल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्या सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपने फोटो सेलेक्ट किया है उसी सीक्वेंस में प्रोफाइल पिक्चर बदलना चाहिए या फिर नहीं। अगर ये सिलेक्टेड होता, ठीक है, तो उस सीक्वेंस में जो है नहीं चेंज होता, पहला नंबर फोटो आता, फिर हो सकता है पांचवा नंबर आ जाता, फिर चौथा नंबर आ जाता, फिर दूसरा नंबर आ जाता, फिर दसवां नंबर आ जाता। ऐसा कब करता, जब ये चेक्ड होता, अगर ये चेक्ड नहीं होता तो सीक्वेंस के साथ जो है आपका फोटो दिखाई, मतलब एक के बाद एक बदलता, ठीक है, यही इसका जो है मतलब है, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन यूजिंग बैटरी पावर स्लाइड टू पावर सेव, ये बोल रहा है कि अगर बैटरी से चला रहे हो तो क्या पावर को सेव करने के लिए मैं नहीं चलाऊं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ उसको, चलाओगे कि नहीं चलाओगे, ठीक है। फिर मैं आता हूँ इस पर, ये बोल रहा है कुछ स्टार्ट मेनू वगैरह का बताओ तो जी, ऐसा दिख रहा है ना अभी, इस पर मैं क्लिक कर दिया, ये देख लो कुछ ऐसा हो गया, इस पर क्लिक कर दूँ, ये देख लो जी कुछ ऐसा हो गया, तो ये कुछ है ऐसा। अब ये बोल रहा है कलर, ये देख लीजिए कितना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसा होना चाहिए, अभी उधर दिख रहा है ना, ये तो लाइट ही कट गया, ये देख लीजिए अभी कुछ नहीं दिख रहा उधर का, यहाँ पे भी देख लीजिए, ऐसे करूँगा तो इनेबल ट्रांसपेरेंसी वाले भी बोलूंगा तो दिखेगा नहीं आप लोगों को भी। चलिए इसको रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए।